दोस्तों आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और आप लोगों का एक बार फिर से लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। हम तो खेसारी लाल यादव को गलत बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने इस वाले होली सीजन में दो गाने ऐसे लाए जिसमें चोली वर्ड का यूज हुआ है और इस चीज का हम विरोध कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोले कि होली में ऐसा चलता है, इतना होली में चलता है, ये वर्ड भी बहुत कॉमन है होली के लिए। हम भी चले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खेसारी लाल यादव को गलत बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम भोजपुरी के प्रोग्रेस को देखते हैं, भोजपुरी के लेवल को सुधारना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, खास करके एक सुपरस्टार को, ऐसा सुपरस्टार जिसका संघर्ष टू जैसा फिल्म रिलीज होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज पवन सिंह जी का भी एक गाना रिलीज हुआ है, डिम्पल सिंह और पवन सिंह भाई, ये लेवल है भोजपुरी का, यही तो चाहिए एकदम, अब यही तो जरूरत है। सब घूम फिर के छियाले दरना कहला तो फिर भोजपुरी के मतलब का। और दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग अब भी बोलेंगे कि होली में इतना चलता है, तो ठीक है चलाइए ना, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सुनिए, फिर प्रोग्रेस की बात ना करें तो आप ज़्यादा बेहतर है, भोजपुरी के विकास की बात ना करें, भोजपुरी को अलग लेवल पर ले जाने की बात ना करें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप इसी में इंगेज रहिए, चोली साया इसी में इंगेज रहिए, और इसमें कुछ अश्लीलता इसमें कुछ नहीं है, और सब कोई सुनता है, इतना चलता है, हर कोई घर में सुन सकता है, हर कोई अपने घर में बजा के नाच सकता है, नाचिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी के लिए शुरू में इतना ही, अब भी मैं खेसारी लाल यादव को मना करूंगा कि ये सब वर्ड, अब इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए खेसारी लाल यादव को, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि खेसारी लाल यादव बेहतर कर रहे हैं। संघर्ष टू जैसी फिल्म खेसारी लाल यादव की रिलीज हो रही है, ना कि कोई और सिंगर की या फिर कोई और एक्टर की। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।